अब सोचिए, आपने बहुत बार पढ़ा हो कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा। किसी ने ध्यान दिया कि आखिर गहरे जल के ऊपर क्यों मंडरा? गहरे जल का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बधाई से आशीष दे, आमीन। आज हम बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में, और मेरा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक जो है, पवित्र आत्मा का रहस्य मेन टॉपिक यह है। और पवित्र आत्मा के विषय में बातचीत करने के लिए परमेश्वर के आत्मा ने मुझे उत्साहित किया, इसलिए कि आज पवित्र आत्मा को लेकर बहुत सी गलत फहमियां जो हैं लोगों के बीच में हैं। बहुत से लोग जो हैं अपने अपने तरीके से पवित्र आत्मा के जो भी चीजें हैं, सामर्थ्य है, शक्ति है, वरदान है, उनको लेकर बहुत कंफ्यूजन सा जो है वो पैदा हुआ है। कि ये सीरीज बनाने का जो आत्मा ने मुझे उत्साहित किया है, इसलिए करा है कि जब जैसे जैसे हम पवित्र आत्मा के विषय में आगे बढ़ते जाएंगे और जब उसके वरदानों में आएंगे, उसके कार्य में आएंगे कि पवित्र आत्मा के कार्य क्या है, वरदान क्या है, फल क्या है, पवित्र आत्मा के हथियार क्या हैं, तो उसके बारे में हमें सही सही जानकारी प्राप्त हो सके, कोई कंफ्यूजन ना हो सके। जैसे बहुत से लोग जो हैं पवित्र आत्मा को लेकर, चंगाई को लेकर है, बहुत से कंफ्यूजन होता है कि चंगाई कैसे, दुष्ट आत्माओं को निकालने पर, भविष्यवाणी करने पर, अनभाषा के ऊपर जो है बहुत से लोग कंफ्यूजन में पैदा होते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं इस पवित्र आत्मा के इस श्रृंखला में आपको क्लियर होंगे कि आखिर में सही माने में सही चीज क्या है। अब सही चीज जानने के लिए जो है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, इसके लिए सबसे पहला जो टॉपिक मैंने चुना है वह है पवित्र आत्मा का रहस्य। कि पवित्र आत्मा का जो एक रहस्य है, आज तक मैंने किसी भी पास्टर से या किसी भी सेवक के मुख से जो है नहीं सुना। यानी पवित्र आत्मा को मानने वाले लोग भी और पाने वाले लोग भी जो हैं उस रहस्य के बारे में नहीं जानते। अब पवित्र आत्मा का वो रहस्य क्या है, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए जब पवित्र आत्मा को लेकर बहुत सी गलत फहमियां या बहुत गलत तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं या काम करते हैं और हम ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर है और वो कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर वो काम गलत है और गलत तरीके से कर रहे हैं तो वो पवित्र आत्मा के विरोध में है। और जब पवित्र आत्मा के विरोध में कोई काम होता है तो ध्यान दीजिएगा, मत्ती 12 अध्याय उसका 32 पद है, यहां पर पढ़ रहा हूं, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा कोई मजाक चीज नहीं है कि जिसने भी कहा, लोग अपने चर्चों में बुला लेते हैं कि लो पवित्र आत्मा लो, भाई तुम कौन होते, तुम यीशु मसीह हो क्या? कि पवित्र आत्मा है क्या, इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर है। क्या आप परमेश्वर हो गए? लो बांटो, लो सब लो, मैं अपने आप को दे रहा हूं। बहुत सी चीजें हैं, बहुत पवित्र आत्मा के विरोध में आज इतना पाप हो रहा है, इतना गलत बातें हो रही हैं, और इसको देखकर जो है बड़ा पीड़ा सा होता है। और इसलिए पवित्र आत्मा ने उत्साहित किया कि तू मेरे बारे में बता लोगों को जो सही क्या है। और इस श्रृंखला में इसलिए आप सबका स्वागत है, और प्रभु आपको बहुत सी आशीष दे और हम पवित्र आत्मा के विषय में जो है अच्छे से सीखें। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, पवित्र आत्मा जो है वो आत्मा है कि जिस मनुष्य के जीवन में है तो समझो परमेश्वर की छाप उसके जीवन में है, परमेश्वर की मोहर उसके जीवन में है। और क्या है, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, इफिसियों 4 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। देखिए बिल्कुल साफ लिखा है, यानी परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, उसे दुखित मत करो। उसे दुखी करने का मतलब है कि हम
गलतियां कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, और हमारा वो पाप जो है, क्योंकि हमने पवित्र आत्मा के विरोध में क्या है, ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा के योग नहीं है। ये ध्यान दे दें। और क्या होता है, आप यशाया 63 अध्याय उसका 10वां पद पढ़िएगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, यशाया 63 अध्याय उसका 10वां पद, क्योंकि उसमें और भी भयंकर बात लिखी हुई है। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित, यानी खेदित का मतलब दुखी किया, इस कारण वो यानी पवित्र आत्मा पलट कर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे विरोध में एक बार को पाप क्षमा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के विरोध में की गई गलतियां वो क्षमा कर देता है, इग्नोर कर देता है, परंतु आत्मा के विरोध में वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करता है। और इसलिए हम कहते नहीं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और हम काम क्या कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य कैसा कर रहे हैं, ये कहने के बाद कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो किसकी बेइज्जती हो रही है, किसको गलत साबित किया जा रहा है? आप नहीं हो रहे हैं, आप पवित्र आत्मा को कर रहे हैं जो आपके अंदर है। और इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि हमें क्या करना चाहिए। और परमेश्वर का आत्मा जो है वो क्या कहता है, यहां पौलुस कहता है कि पौलुस भी इस बात को कहता है कि आत्मा को शोकित मत करो, और यदि पवित्र आत्मा हमारा शत्रु हो गया तो उससे बचाने वाला किसी भी लोक में हमें नहीं मिलेगा। ना हमारा धन हमें उससे बचा सकता है, ना हमारी पोस्ट उससे बचा सकती है, ना हमारी ताकत उससे बचा सकती है। पूरी दुनिया एक तरफ, आप पूरी दुनिया जो है आपके साथ हो जाए, और पवित्र आत्मा जो है अकेला आपको, पूरी दुनिया के लोग भी पवित्र आत्मा से अगर यदि आपका शत्रु हो गया तो बचा नहीं सकते। इसलिए किसी, पहली बात तो किसी को भी शत्रु ना बनाएं। प्रभु यीशु मसीह भी कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो। मान लीजिए यदि मनुष्यों में कोई शत्रु हो गया तो हो गया, परंतु खास तौर से पवित्र आत्मा को तो शत्रु कदापि ना बनाए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। यदि पवित्र आत्मा दुखी होकर और हमारा शत्रु हो गया और हमारे विरोध में लड़ने लगा तो फिर हम कहीं के नहीं रहे, हमारा बचना जो है बहुत मुश्किल है। पवित्र आत्मा का जो परिचय शुरू होता है, जो रहस्य शुरू होता है, वो कहां से होता है? चलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 2 पद जरा निकालिए। यहां लिखा, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। अब ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी जो थी सुनसान थी और कहां पर थी, गहरे जल के अंदर डूबी हुई थी। अब वहां लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर का आत्मा जो है वो गहरे जल के ऊपर मंडलाता था। तो समझ में नहीं आया बात कि परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर क्यों मंडला रहा है। भाई ये भी तो लिख सकते थे कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो जल के ऊपर जो है वो था, मगर यहां जल के ऊपर मंडलाने का बात क्या है, बड़ा ध्यान देने की बात है। ये जो है ये बड़ी परमेश्वर की ओर से बड़ी साइलेंट या खामोश वाली भविष्यवाणी है। जी हाँ, ये पहली भविष्यवाणी है जो परमेश्वर की ओर से जो है वो है कि परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडलाता है। इसका क्या भेद है, अर्थ है, इसका क्या रहस्य है? जब आप इस रहस्य को समझेंगे तब आपको पता चलेगा ये गहरे जल का जो रहस्य है वो क्या है, कि परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर जो है वो मंडला रहा है। परमेश्वर की एक खामोश साइलेंट प्रोफेसी जो है वो परमेश्वर के आत्मा के मंडलाने से शुरू होती है, गहरे जल के ऊपर मंडलाने से शुरू होती है। और ये भविष्यवाणी कब पूरी होती है ये भी आपको बताएंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहले मैं गहरे जल के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 1 पद। यहां लिखा है, जिन 7 सरदूतों के पास वे 7 कटोरे थे उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। देखिए बड़े ध्यान देने की बात है, वहां लिखा है, देख यहां पर मैं वेश्या की बात या वो जो पशु पर बैठी है उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, परंतु बात क्या कर रहा हूं, जो बहुत से पानियों पर बैठी है। बहुत से पानी का मतलब क्या होता है, अथाह पानी, उसके ऊपर बैठी हुई है। और इसकी भविष्यवाणी जो है यिर्मयाह नबी भी करता है। जी हाँ, यिर्मयाह नबी क्या करता है, यिर्मयाह 51 उसका 13 पद, यहां लिखा, हे बहुत जलाशयों के बीच बसी हुई
और बहुत भंडार रखने वाली, तेरा अंत आ गया है, तेरे लोभ की सीमा पहुंच गई है। अब यहां पर जो है, मैं बाकी बातों पर नहीं, यहां लिखा है हे बहुत जलाशयों पर। बहुत जलाशयों का मतलब कि पानी 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 है जो ये स्त्री, ये जो वैश्य जो है उस पर बैठी, बहुत पानी अथा पानी है। और वो ही पानी वहां परमेश्वर का आत्मा का आरंभ कहां से हो रहा है? देखिए, परमेश्वर के आत्मा का आरंभ कहां से होता है? अथा जल के ऊपर, गहरे जल के ऊपर, पानी पानी है, कुछ नहीं है पानी के सिवा, उसके ऊपर मंडरा रहा है। अब ये गहरा जल जो है, ये क्या चीज है जो आपने देखा है इन पदों के अंदर? परमेश्वर का वचन जो है, बहुत सा पानी, बहुत जलाशयों का जो रहस्य है वो क्या है? जब आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय और उसका 15वां पद, यहां मैं बड़े आराम से पढ़ूंगा, आप भी जरा ध्यान दीजिएगा। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे, जिन पानी पर वैश्या बैठी है, वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सा पानी क्या है? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जो बहुत, जो पानी तूने देखे हैं, ठीक है, जो पानी तूने देखे हैं, जिन पर वैश्या बैठे हैं, वे लोग हैं। पानी क्या है? वो लोग हैं, भीड़ है और जातियां हैं और भाषाओं के लोग हैं। यानी जल के ऊपर जो आत्मा मंडला रहा है, तो परमेश्वर वहां पर यह भविष्यवाणी कर रहा है कि ये आत्मा जो है, मेरा जो आत्मा है, ये कार्य करेगा किन पर? लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में, जातियों के बीच में और भाषाओं के बीच में। मैं अपना आत्मा जो हूं, लोगों पर, भीड़ पर, जातियों पर और भाषाओं, अन्य अन्य भाषाओं के बोलने वालों पर उतारूंगा। यह है परमेश्वर की प्रोफेसी जो है वो शुरू होती है। और ये प्रोफेसी जो है परमेश्वर रिपीट कराता है। देखिए, ये खामोश रिपीट, आप रिपीट भी कह सकते हैं या आप ये कह सकते हैं जो साइलेंट प्रोफेसी है उत्पत्ति 1:2 में, जो खामोश भविष्यवाणी है, उसको परमेश्वर जो है शब्दों में बयान कराता है, आप ये कह सकते हैं। कैसे कराता है शब्दों में बयान? आप ये देखिए, योएल नबी 2 अध्याय उसका 28 और 29 पद जब आप पढ़ेंगे तो यहां क्या लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरानिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? कि उन बातों के बाद, अंत के दिनों में, मैं सब प्राणियों पर क्या करूंगा? सब प्राणियों पर, जितने भी हैं जो उस आत्मा को चाहना चाहेंगे, जिस जिनका जीवन उस पवित्र आत्मा के योग्य होगा, वो चाहे किसी भी जाति के लोगों में से निकल कर आए हों, चाहे किसी भी प्रकार की भाषा बोलने वाले हों, चाहे वो कितनी बड़ी भीड़ क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी लोग क्यों ना हो, हर एक लोगों पर क्या होगा? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं आत्मा हूं। क्योंकि जल के ऊपर आत्मा मंडलाने का कोई वो ही नहीं था, परमेश्वर बस कहता पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, फिर वहीं से शुरू हो जाता कि उसने उजाला बनाया, उसने ये बनाया, उसने वो बनाया, उसने सारी चीज। मगर विशेष तौर से वो दिखा रहा है कि जल के ऊपर आत्मा मंडला रहा है, क्योंकि ये आत्मा जो है ये लोगों के ऊपर जो है भविष्य में परमेश्वर ने उतारने की, उंडेलने की भविष्यवाणी करी थी, मंडलाने की भविष्यवाणी करी थी। आज परमेश्वर का आत्मा हर एक के ऊपर मंडलाता है। रिसीव कौन कर रहा है? यह मिलता किसे है? जो उसके योग्य होता है, जो अपने आप को पवित्र आत्मा के योग्य बनाता है। और यह भविष्यवाणी जो है, जो शब्दों के द्वारा प्रकट की गई, योएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने करवाया, उस साइलेंट भविष्यवाणी को उजागर किया उसने। और क्या रखा? जब आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 16 से और 17 पद तक पढ़ेंगे तो यहां पर जो है पत्रस जो है वो योएल नबी के इस भविष्यवाणी का वर्णन करता है। सही माने में देखा जाए तो पत्रस जो है योएल नबी की भविष्यवाणी का तो वर्णन कर रहा है,
मगर ये भविष्यवाणी उत्पत्ति एक अध्याय उसके दो पद की है कि जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बढ़ रहा, यानी गहरे जल के ऊपर, अथाह जल के ऊपर। और वो जल क्या है? वो जल जो है वो लोग, भीड़, जातियां और भाषाओं के लोग हैं जिनके बीच में परमेश्वर का आत्मा भविष्य में काम करने की काम करेगा। परमेश्वर की एक योजना थी कि मैं अपनी आत्मा के द्वारा लोगों से काम कराऊंगा, अपनी आत्मा उनके ऊपर उंडेलकर, अपनी आत्मा उनके ऊपर भेजकर। और जो पतरस है वो खड़े होकर योल नबी की उस भविष्यवाणी को, जो साइलेंट भविष्यवाणी की चर्चा शब्दों के द्वारा प्रयोग की गई है, परमेश्वर ने योल नबी के द्वारा प्रयोग करी, उसका वर्णन कर रहा है। अब सोचिए, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता है। किसी ने ध्यान दिया कि आखिर गहरे जल के ऊपर क्यों मंडरा रहा है? गहरे जल का मतलब क्या है? और यहां प्रकाशित वाक्य 17 के 15वें पद में बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि गहरा जल क्या है, किसको दर्शाया जाता है, किसको दिखाया गया है, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। उस भविष्यवाणी को परमेश्वर ने जो है पूरा करा, परमेश्वर की ओर से सबसे, बाइबल की सबसे पहली भविष्यवाणी, साइलेंट भविष्यवाणी, जिसको समझना, जो पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं या जो पवित्र आत्मा पाए लोग हैं उनको यह समझना चाहिए, मगर वो आज तक नहीं समझ पाए। वो कहते हैं हमें पवित्र आत्मा मिला, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है। ये तो आरंभ से परमेश्वर ने पहले ही से निर्धारित कर रखा था कि मैं अपना आत्मा मनुष्यों पर उंडेलूंगा और वो मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा जो है वो कार्य करेंगे, मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा जो है मेरे कार्य को सिद्ध करेंगे, मेरी इच्छाओं को पूरा करेंगे, इस पृथ्वी पर मेरा धर्म और मेरे राज की खोज करते हुए उसमें खुद भी प्रवेश करेंगे और बहुत से लोगों को प्रवेश करने देंगे, मगर ये बिना पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात जो है, एक छोटा सा रहस्य जो है पवित्र आत्मा का परिचय देते हुए, पवित्र आत्मा के उस रहस्य को प्रकट किया, परमेश्वर के उस रहस्य को प्रकट किया है, परमेश्वर की उस साइलेंट प्रोफेसी को, खामोश भविष्यवाणी को प्रकट किया है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और आगे जैसे जैसे हम पवित्र आत्मा में बढ़ेंगे और भी बहुत से रहस्य आपको मिलेंगे। आप बने रहिए, प्रभु आप सबको आशीष दें।